कमलनाथ की मुश्किलें बड़ी। एसआईटी ने 1984 सिख दंगे में कमलनाथ के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की थी वह खुल गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईटी और केंद्र सरकार का शुक्रिया किया। सिरसा ने कहा कि 1984 के जो दंगे हुए थे उसमें बहुत सारे नाम सामने आए थे, बहुत सारे बड़े नाम बचते रहे, जैसे सज्जन कुमार को हमने जेल भेजा था और कमलनाथ को भी जेल भेजने का वादा किया था। हमने गृह मंत्रालय में मांग की थी कि इस केस को खोल दिया जाए और हमारी मांग के बाद कमलनाथ के केस को एसआईटी द्वारा फिर से खोल दिया। 601/80 केस था जिसको एसआईटी द्वारा खोल दिया गया है। हमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से मांग है कि कमलनाथ से तुरंत रिजाइन लिया जाए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री गवाहों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी मांग दिल्ली सरकार और पुलिस से है कि कमलनाथ के खिलाफ दो गवाह हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाए। अब हमें बस एसआईटी के द्वारा दी जाने वाली डेट का इंतजार है। जब भी डेट दी जाएगी दोनों गवाह अपना बयान देने आ जाएंगे। 1984 का जो कत्लेआम हुआ उसके अंदर बहुत सारे जो बड़े नाम थे वो किसी न किसी बहाने से बचते रहे। संजीव कुमार बचता रहा, जगदीश टाइटल बचता रहा, कमलनाथ बचता रहा, लेकिन हमने पिछले दिनों में संजीव कुमार को जेल में छोड़ के आए और कमलनाथ का हमने आपके साथ वादा किया था। कमलनाथ का जो केस था 601/84 FIR वो बंद कर, हमने आपकी जानकारी में है, हमने गृह मंत्रालय का ये विषय और हमारी इस दरख्वास्त को मानते हुए गृह मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके तहत जो केस बंद है, जो केस पे ट्रायल कंक्लूड हो चुकी है, जो केस थ्रू कोर्ट हो चुके हैं उनको भी खोलने का इजाजत दी गई थी। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता और बड़ी तसल्ली है कि जो कमलनाथ की इन्वॉल्वमेंट थी जिस FIR में 601/84 पार्लियामेंट स्ट्रीट SIT ने उस FIR को खोल दिया है और री इन्वेस्टिगेशन के लिए सारे विटनेस और गवाहों की मांग की है। 601/84 जिस मुकदमे में कमलनाथ मुजरिम होना चाहिए था उस मुकदमे को बंद कर दिया गया था। कल SIT ने न्यूज़पेपर में ऐड देकर और ये माना हमारी कंप्लेंट को कि 601/84 FIR जिसके अंदर कमलनाथ की इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए नए गवाह और केस खोल दिया गया। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स, पर्सन्स, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस दैट इफ दे हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टेड टू दी एनी फॉलोइंग केसेस दे मे कॉन्टेक्ट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ SIT पुलिस। नाउ व्हाट इज द केस? द केस इज 601/84 601/84 SIT ने कमलनाथ के केस को खोल दिया है और उसकी री इन्वेस्टिगेशन के लिए गवाहों से मांग की है। हमारी लंबे समय से मांग थी कि गवाहों की गवाही दर्ज की जाए और कमलनाथ को अरेस्ट किया जाए। कमलनाथ को अरेस्ट करने का, कमलनाथ को इस केस में चार्ज करने का और कमलनाथ को अक्यूज बनाने का जो SIT ने रास्ता साफ किया और ये डॉक्यूमेंट है जो SIT ने इस केस को दोबारा से खोल दिया। हमारी मांग है एक तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, वो बार बार इंसाफ की बात करते थे, वो बार बार कहते थे देश के लोग इंसाफ मांगते हैं, सिख इंसाफ मांगते हैं और आपसे मांग करते हैं इमीजिएटली, क्योंकि कमलनाथ खोल दिया गया है, हमारे कल मुकदमे को इन्फ्लुएंस ना कर सके, हमारे विटनेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके और सिखों को जो दो सिख यहां मारे गए थे उनको इंसाफ मिले, इसके लिए इमीजिएटली सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कमलनाथ से रिजाइन देना चाहिए, इमीजिएटली उसको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए ताकि ये जो इंक्वायरी शुरू हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम चालू हुआ है ये अनबायस हो, ये किसी दबाव में ना हो। मुख्यमंत्री का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है। दूसरी हमारी मांग है दिल्ली पुलिस से, देश की सरकार से, इसमें दो प्राइसिंग जिन्होंने अपनी गवाही में ये लिखा, मैं उनका आपको दो लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बेल्डिंग मॉब
फर्दर माउंटेनियर अगेन अटैक गुरुद्वारा साहिब वन ऑफ द पर्सन साइड गुरुद्वारा साहब वाज द लाइसेंस कंटिन्यू फायर सम शॉट्स इन द एयर आफ्टर समटाइम मॉब केम इन अ बिग फोर्स अलोंग विद सम कांग्रेस लीडर्स वर्कर्स एक्सेट्रा आउट ऑफ विच नाइस सम ऑफ देम हु आर मिस्टर कमलनाथ एंड वसंत साठे ये स्टेटमेंट ऑन दी ओथ दी गई है नानावती कमीशन के सामने इसके द्वारा सरदार मुख्तार सिंह दी एफिडेविट टू नानावती कमीशन आई मस्ट रीड इट अगेन इट्स अ वेरी क्लियर दैट आफ्टर सम टाइम मॉब केम विद अ बिग फोर्स अलोंग विद सम कांग्रेस मैन लीडर्स वर्कर्स आउट ऑफ विच आई कैन रिकॉग्नाइज सम ऑफ देम हु आर लीडर मिस्टर कमलनाथ एंड वसंत साठे ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेट लीडर पुलिस फायर सेवन राउंड्स टू गुरुद्वारा कारगिल साहब टिल दे The said marks of gunshot are still visible at Gurdwara Kabri Sahib. कमलनाथ के कहने पे न केवल मारा गया बल्कि गोली भी पुलिस द्वारा भी चलाई गई जिसके निशान आज भी गुरुद्वारा साहब में मौजूद है The mob again tried to enter Gurdwara Sahib once again सेवादार and the members started rushing back in same fashion on hearing the said from crackers presuming that some of the gunfighter mob again scattered and went away. ये दूसरा एफिडेविट संजय सूरी जो कि उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में थे और अब वो एक टीवी चैनल पर हैं ये मैं उनका भी आपको एफिडेविट पढ़कर सुनाना चाहता हूं ये एफिडेविट भी नानावती कमीशन के सामने दिया गया उन्होंने कहा व्हेन आई गोन टू कारगिल ऑफ गुरुद्वारा इज दैट मिस्टर कमलनाथ वाज कंट्रोलिंग द क्राउड एंड द क्राउड वाज लुकिंग टू हिम फॉर डायरेक्शन कमलनाथ डायरेक्शन के लिए इंतजार में क्राउड था कि कमलनाथ डायरेक्शन दे और वे बेगुनाह लोगों को कत्लेआम करें मारे आई ऑल्सो नोटिस दैट ही हैज कंट्रोल ऑफ द क्राउड आई ऑल्सो हर्ड मिस्टर कमलनाथ कमलनाथ को मैंने कहते सुना आइदर गिवन एनी पॉजिटिव डायरेक्शन टू द क्राउड टू डोजो सम ऑफ डूइंग समथिंग आई हैव सीन कमलनाथ स्पीकिंग टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट मॉब्स नियर गुरुद्वारा इवन व्हाइल व्हेन मिस्टर कमलनाथ वाज प्रेजेंट सम मॉब हैड चार्ज एट गुरुद्वारा I have noticed the presence of police on one side of Gurdwara. Mr. Gautam Kaur was the then police officer of in charge. कमलनाथ के खिलाफ संजय सूरी और मुख्तार सिंह दोनों प्राइम विटनेस है हम चाहते हैं इमीडिएटली इनके डिस्पोज ऑफ करने को तैयार है हमने आज उनसे बातचीत की है बोथ हैव एग्रीड टू डिस्पोज बिफोर द एसआईटी ऑन द स्पेसिफिक डेट कॉल डाउन जिस दिन भी इनको बुलाया जाएगा वो एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराने को तैयार है हमने आज एसआईटी से बात की उन्होंने कहा कि वो एक दिन में हमें स्पेसिफिक डेट देंगे जिस डेट में वो दोनों की विटनेस दर्ज करेंगे हमारी मांग है पहली मांग कमलनाथ को कांग्रेस की प्रेसिडेंट को तुरंत उसका रिजाइन देना चाहिए और उनको कुर्सी से हटाना चाहिए ताकि सिखों को इंसाफ मिल सके दूसरा हमारी दोनों प्राइम विटनेस संजय सूरी और सरदार मुख्तार सिंह को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उनकी जान माल को खतरा बनाएगा क्योंकि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ वो कत्लेआम के केस के अंदर अपना बयान दर्ज कराने जा रहे हैं इसी दबाव के चलते कमलनाथ सज्जन पाल जगदीश टैगर एच के एल भगत धनदास शास्त्री जैसे लोग ललित माखन जैसे लोग बचते रहे हैं हम चाहते हैं हमारे विटनेस डिस्पोज करें और बिना किसी डर के करें ताकि उनके परिवार को खतरा न बनाए इसलिए इनके परिजन के ऊपर खतरा बनेगा एक मुख्यमंत्री खिलाफ डिस्पोज करेंगे इनको एडवोकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना स्टेट का फर्ज बनता है दिल्ली पुलिस का फर्ज बनता है दोनों विटनेस जो है डिस्पोज करने के लिए तैयार है मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सिखों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड कमलनाथ के खिलाफ केस खोलने की थी आज उस केस को खोलकर उन्होंने ये बताया कि एनडीए सरकार सिखों को इंसाफ देना चाहती है मुझे उम्मीद है यकीन है कमलनाथ विल बी द ओनली चीफ सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कुर्सी पे रहती है अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी ने उसको नहीं हटाया तो वहां एक ऐसा चीफ मिनिस्टर होगा जो कुर्सी पर बैठा 1984 के कत्लेआम के लिए अरेस्ट किया जाएगा मैं धन्यवाद करता हूं एसआईटी का जिन्होंने हमारी मांग को मानते हुए इस केस को खोला और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गवाह की मांग की मैं उन सब लोगों से अपील करता हूं जिनको गुरुद्वारा कारगिल साहब के कत्लेआम की जानकारी है वो सामने आए बेधड़क होकर सामने आए बिना किसी डर के सामने आए और जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा जब दो सरदारों को आग लगाकर पाउडर डालकर मारा गया
वो आके डिस्पोज करे, आपको कोई खतरा नहीं है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आपके जान माल की जिम्मेदारी लेती है और हम विश्वास दिलाते हैं किसी भी सूरत में किसी के साथ जाति नहीं होने दी जाएगी। इसलिए मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से उन सब विटनेस को अपील करता हूं जो इस वाकये में कमलनाथ के कतलेआम करवाते वक्त मौके पर मजबूत थे लेकिन डर के कारण आज तक सामने नहीं आए। मैं सबसे अपील करता हूं, पुलिस ने एसआईटी ने आपसे मांग की है, आप आए और अपनी बिजनेस के रूप में डिस्पोज करें, आपको कोई खतरा नहीं, आपकी जिम्मेवारी दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लेती है। नहीं, उसके जगदीश टैक्टर के केस के अंदर ऑलरेडी नहीं, उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके अंदर लाइव डायरेक्टर टेस्ट हो चुका है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन तीनों मिनटर जिस केस में सीएस को क्लीन चिट दे चुकी थी वो केस हमने खुलवा के ऑलरेडी उसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए दे चुके हैं और उसके अंदर हमारे विटनेसेस मनमोहन सिंह और अदर्स जो हैं वो डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं और एक उसके अंदर लाइव डिटेक्टर टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। तो जगदीश टैक्टर का केस भी इन परस्यू है, वो ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए एसआईटी उसको टेक ओवर नहीं किया, सीधे कर रहे उसको। तो कई लोगों के वापिस लिए गए थे, कई लोगों के अब सबके केस खोलने की इजाजत एसआईटी से मिल गई है लेकिन अभी जो केस खोले गए हैं वो ये हैं। उनका नंबर ऐसे है, मैं आपको कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूं। जो अभी दोबारा से केस खोले गए, अच्छा होगा आपने सवाल पूछ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो दोबारा से केस खोले गए हैं वो इस प्रकार है, 321/84 बसंत विहार पुलिस स्टेशन का केस खोला गया, 372/84 सनराइज कॉलोनी का केस खोला गया। नहीं, ये तो अभी खुले ना, परसों जाइए, ये तो आज की नोटिफिकेशन है, मंडे के संडे के फ्राइडे के नोटिफिकेशन है, इसमें नाम भी है सर। नहीं, पुलिस स्टेशन के नाम है और कंप्लेंटेंट जो उस वक्त के कंप्लेंटेंट थे उनके नाम है। तो 321/84 संतरा पुलिस स्टेशन, 84 सनराइज पुलिस स्टेशन, 424/84 कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन, 601/84 पार्लिमेंट पुलिस स्टेशन, 1056/84 क्लॉट प्लेस, 556/84 पटेल नगर, 607/84 शारदा। ये वो सारे केसेस हैं जिसके अंदर पुलिस ने इनको रिओपन किया है और इनके लिए अपने गवाहों की मांग की है, जो जो इसमें गवाही देना चाहता है वो सामने आए। दो जो गवाह मैंने आपको बताया हमारे पास थे, ये हमने जानकारी जेएसआईटी को दी है और वो हमें स्पेसिफिक डेट देंगे, जिस दिन वो हमें कहेंगे हमारे दोनों गवाह सामने डिस्पोज पुलिस के सामने अपनी विटनेस दर्ज करा, ये गवाही देने को दोबारा तैयार है। और इसके साथ साथ अपील करूंगा कि जो भी लोग इसके बारे में, उस कत्लेआम के बारे में कोई भी चीज जानते हैं, कोई भी सुराग उनके पास है, वो जरूर आगे आए क्योंकि 35 साल बाद एक ये मौका मिला है और ये मौका हमको गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं विनती करूंगा कि जिनके पास भी उस दिन का कोई ना कोई वाकया या उनके पास कोई रिपोर्ट है वो जरूर आगे आए। ठीक है जी, आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद।